ये अपनी जमानत बचाने के लिए परेशान है। के वोट देहले होन है, जाएगा हुआ में ये खाली एक कोपा एक टाउन एरिया है जहाँ मुसलमान 80%, घोसी जहाँ 70%, यही दो जगह जीतल न सर। कौनो गांव में बता दे, एक एक गांव में बता दूं, पोलिंग बता दूं, 236 पोलिंग का रिजल्ट बता दूं, 520 बूथ का रिजल्ट बता दूं, 388 बूथ पर दारा चौहान 70, 80, 90, 95, 98% वोट पा रहे हैं। 388 बूथ पर 76 बूथ पर सपा जीत रही है, जिनको वो अहंकार है। 388, 76 जोड़ लीजिए, और 56 बूथ है जहां कांटे की टक्कर है, उसको भी मैं मानता हूं, लेकिन 1920 है। तो कहां जीतेंगे हारेंगे? वही खाली वही 76 के देख के चिल्ला था सर, जीत जाब 388 को तो लौकते ना। हाँ, देखिये राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है, और काफी अंतर से जीतेंगे यो बता दे रहे हैं। देखिए घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है जी। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। नुकसान कैसे क्यों हुआ सर? अध्ययन करें, कहीं नहीं नारा लगाएंगे। इससे सबक लेंगे, इस परिणाम से सबक लेगी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सीख ले कि जो कमी रहेगी उसको सुधार करके आगे जो है बेहतर करने का प्रयास करें।